हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th क्लास के बच्चों के साथ। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो ये चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। हम जुडिशरी के ऊपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको जान रहे हैं कि जुडिशरी का इन्फ्लुएंस कहाँ है, इसका जुडिशरी का पेरिफेरी जो है क्या है, वट आर दी थिंग्स, वट आर दी मैटर्स विच आर इंक्लूडेड इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जुडिशरी। सो टूडे वी विल डिस्कस द जुरिसडिक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। हम करेंगे बात आज जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, jurisdictions of these subordinate courts at district level, jurisdictions of subordinate court at district level in India. इनका दायरा इख्तियार डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट जो हैं एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हमने पहले बात की कि एक निज़ाम जो है, देयर इज़ ए इंटेग्रिटी इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट विच इज़ हाईएस्ट कोर्ट फॉर द कंट्री, दिस इज हाई कोर्ट, दिस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसका नंबर जो है कम है लेकिन पूरा कंट्री के लिए है, मींस है तो नंबर एक में लेकिन पूरा इंडिया, पूरा होल नेशन को कवर करता है। फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हमारे हर स्टेट का जो है वो बड़ा कोर्ट जो है, दैट इज़ हाई कोर्ट। एंड देन कम्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट, उसकी पेरिफेरी, उसका ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इससे नीचे होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से नीचे, जैसे तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जोन लेवल पे, तो उन कोर्ट्स को सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स कहा जाता है। अब हम देख लेंगे कि जुरिस्डिक, इनकी पेरिफेरी, इनका दायरा इख्तियार कहाँ तक है। द जुरिसडिक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। ये जो सारे कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स के जुरिसडिक्शंस को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन हो गया क्रिमिनल कोर्ट्स, द क्रिमिनल कोर्ट्स। नेक्स्ट नंबर वन हो गया द क्रिमिनल कोर्ट्स। सेकंड जो है दैट इज सिविल कोर्ट, द सिविल कोर्ट्स। देन थर्ड जो है दैट इज रिवेन्यू कोर्ट्स। आप सब इनसे वाकिफ हैं जो आप जानते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ ही नहीं, आपने 9th 10th की जो है आप की जो सीक्स है इसमें वो जो है नीचे से ही आप इनको पढ़ते आए हैं, तो थोड़ा सा और स्टडी करेंगे हम इसको कि ये जो जुरिसडिक्शन अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, मींस वन वी कैन कॉल इट एज ए क्रिमिनल कोर्ट्स, सेकंड द सिविल कोर्ट्स एंड द थर्ड वन इज द रेवेन्यू कोर्ट्स। दीज आर थ्री कोर्ट्स एंड दीज आर द जुरिसडिक्शंस ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इनको हम क्लासिफाई इन तीन में करते हैं,
तो अब हम इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तीन कोर्स जो हैं हम देख लेंगे आज के इसमें, आज का जो लेसन है सिर्फ इसमें हम क्रिमिनल कोर्ट को ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट सारे को लेके चलना ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, इसलिए सिर्फ हम आज जो है आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स की ही बात करें कि पैरिफेरी जो है वो इस नंबर वन क्रिमिनल कोर्ट जो है इसकी पैरिफेरी इसका कहाँ तक है, ये क्या होता है। जैसा कि नंबर वन जो है द क्रिमिनल कोर्ट्स जो है द हाई कोर्ट्स दीज आर द हाईएस्ट कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स जो है दीज आर द हाईएस्ट कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इनको माना जाता है डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट कोर्ट, जैसे हमारा स्टेट का हाई कोर्ट है, जैसे हमारा कंट्री का, जैसे हमारा दिस इज कंट्री का है, यह हमारा स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के कोर्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। तो इसमें जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसको सेशन कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि सेशन कोर्ट जो हमारा है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस कोर्ट इज एम्पावर्ड, ये जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर द सेशन कोर्ट, दिस कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और ये कोर्ट जो है इसमें पावर है कि ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये तो ये क्रिमिनल केसेस को तो सुनता ही, लेकिन ये जो है सिविल केसेस को भी, सिविल केसेस को भी सुनता है। जो हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का है ये इसको पावर है कि ये बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को हियर कर सकता है, सुन सकता है। वो जजेस जो डिस्ट्रिक्ट जज है या तो जज ऑफ या तो सेशन जज है, दीज जजेस आर एम्पावर टू हियर बोथ द क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस। क्रिमिनल मींस क्रिमिनल हो गया जिसने कत्ल किया हुआ है, मर्डर किया हुआ है, जिसने किसी का खून किया हुआ है, किसी को जख्मी किया हुआ है, दोज केसेस आर क्रिमिनल केसेस। और फिर कुछ केसेस जो सिविल केसेस मींस किसी की चोरी हुई, किसी की गाड़ी है, ये है उसकी लैंड है, दीज आर द सिविल केसेस। मींस दोनों केसेस को आइदर दे आर क्रिमिनल आर सिविल केसेस दिस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज एम्पावर्ड टू हियर ऑल द केसेस वेदर दे आर सिविल आर द क्रिमिनल। देन नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट इसका दायरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, आइदर वो डिस्ट्रिक्ट जज है या सेशन जज है, बोथ आर द सेम पर्सन, ये एक ही होते हैं, चाहे उसको वही जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज भी है और वही जज सेशन जज भी है, लेकिन इन केस ऑफ वो डिस्ट्रिक्ट जज है बट व्हेन ही इज हियरिंग ए सिविल केस एट दैट टाइम ही इज नोन एज सेशन जज। वही डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्रिमिनल कोर्ट का हेड है, वो क्राइम सुनता है, लेकिन उसको सेशन जज भी बोला जाता है विच इज मेंट फॉर हियरिंग दी सिविल केसेस। और जब वो जज, वो एक ही आदमी भी हो सकता है, लेकिन जब वो सुनेगा सिविल केसेस को, वही सेम जज जो है और दैट इज नोन एज सेशन जज। अब यहां पे चला आपको कि बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
आर द सेम पर्सन। वो एक भी हो सकता है, लेकिन आपको बोला जब वो सिविल केसेस को प्लीड कर सुनेगा तो उस समय उसको सेशन जज बोला जाता है। थर्ड हो गया कि अपॉइंटमेंट, इन जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, दीज जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर हुआ उस स्टेट का, वो ही इन जजेस को अपॉइंट करता है। तभी तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मानी जाएगी। अगर इनको हकूमत या कोई एग्जीक्यूटिव जो है वो इसकी जो सिलेक्शन अपॉइंटमेंट करे, फिर कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस इस पर होता। इट इज़ आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन अवर जजेस। तो इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी तभी है। और ये जजेस जो हैं, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटेड बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हायर कोर्ट। और वो खुद ही सिर्फ इसको अपॉइंट नहीं करता, बट ही कैन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अंडर हूज ज्यूरिडिक्शन द स्टेट फॉल। मींस जे एंड के का, अगर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वो जे एंड के गवर्नर और इसके जे एंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ही कंसल्ट करेगा, ना कि वो पंजाब या दूसरे किसी स्टेट से। जहाँ जिस ज्यूरिडिक्शन, जिस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट में करना है, उसी का गवर्नर और जो है वो उस स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा। द गवर्नर विल कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज। फिर देन फोर्थ हो गया, अपॉइंटमेंट इज डन बाय गवर्नर विद कंसल्टेशन ऑफ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हायर हाई कोर्ट। तो देन नेक्स्ट, अगर इफ नीडेड, अगर जरूरत हो, मींस जितने जजेस हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो सम अदर जजेस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड इफ रिक्वायर्ड। मींस अगर सिंगल जज है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज जो है वो सिंगल ही होगा डिस्ट्रिक्ट में, बट देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट अदर जजेस में आल्सो बी अपॉइंटेड इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े, अगर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नर चाहे, अगर चीफ जस्टिस चाहे कि वहाँ पे काम पड़ गया, ये केसेस को प्लीड करने में इसको बहुत ज़्यादा केसेस हैं और सिंगल है, मींस इफ नीडेड ही दे कैन अपॉइंट मोर जजेस डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के लिए, और भी जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट होगा कि ये जो है अदर और भी जजेस को अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस इफ रिक्वायर्ड। देन कम्स, उसके बाद आता है कि ही इज एम्पावर्ड टू अवॉर्ड ए सेंटेंस ऑफ 6 मंथ, मींस अवॉर्ड ए सेंटेंस टू डेथ। वो ये जज जो है, इसमें पावर है, ही इज एम्पावर्ड टू सेंटेंस टू डेथ बट शुड बी कंफर्मड बाय द हायर कोर्ट। ये जज में, ही इज एम्पावर्ड, जज इज empowered to sentence to death। अगर जज चाहता है वो उसको फांसी की सजा भी दे सकता है, वो इसको अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन
दैट शुड बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, उसको कन्फर्म करवाना है, मीन्स दैट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो उसको जो है वो सजा दे सकता है। अगर हाई कोर्ट इसे कन्फर्म करे तो वो किसी को फांसी भी दे सकता है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है सिक्स्थ इसके इम्पॉर्टेंट इसके जूरी सिडक्शन है कि जहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये अपील सुनता है, ये एक इम्पावर्ड एक तो डेथ के लिए है। फिर नेक्स्ट जो है द लवेस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट इज थर्ड क्लास, एक वहाँ पे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी होता है, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की जो है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो निचली सतह पे होता है, जो जो छोटे केसेस को जैसे कहीं पे लड़ाई हुई कहीं पे कहीं मारपीट हुई उसको सुनने के लिए हमारा थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में होता है, जो कहीं बीटिंग एंड कॉलिंग पे जो है इम्पावर्ड होते हैं कि वो सेंटेंस वो किसी को सजा दे सकते हैं अप टू सिक्स मंथ्स। अगर कहीं पे बीटिंग कहीं पे लड़ाई हो गई कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ मारपीट मार धार थोड़ी सी हुई उसके लिए जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में होता है और वो इम्पावर्ड उसको पावर होती है कि वो कहीं एक छः महीने तक की सजा दे सकता है और फाइन ऑफ 50 रुपीज तक कर सकता है। एक तो सजा देगा साथ में जो है वो जुर्माना कर सकता है, मींस कहीं अब ये बड़ा होगा लेकिन जहाँ तक हमारे कंटेंट ऑफ द बुक सेज दैट इट कैन फाइन द RS 50, मींस कहीं पर आज के दौर में बड़ा होगा लेकिन जहाँ तक हमारी बुक्स का ताल्लुक है तो बुक्स पे जो वहाँ पे प्रोविजन है कि एक थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 6 महीने तक की सजा दे सकता है और ₹50 तक वो जो है वो जो है 1 मंथ सजा जो है वो 1 मंथ की दे सकता है, 1 मंथ की सजा दे सकता है और ₹50 तक जो है वो जुर्माना कर सकता है। देन कम्स सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो इसमें दिस मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट इट इज आल्सो इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही इज एम्पावर्ड टू सेंटेंस 6 मंथ, ये जो है 6 महीने तक सजा दे सकता है और ₹200 तक जो है ये जुर्माना कर सकता है, मींस थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। देन कम्स सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और उसकी अपील जो है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कहीं सेंटेंस कहीं सजा दे दे पुनिश कर ले उसको जो वायलेट करता है लॉज को तो वो अपील कर सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है ही इज एम्पावर्ड टू गिव सेंटेंस ऑफ 6 मंथ एंड ए फाइन ऑफ ₹200 वो कर सकता है। फिर जो है इस नेक्स्ट एंड अबो दिस कोर्ट, अब इसके ऊपर जो कोर्ट आएगा वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। देन कम्स द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट देन कम्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो ये जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो जो क्या कर सकता है वो इन सारी की अपील को सुनता है, मींस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से निकल के जो अपील आएगी वो अपील जो है फर्स्ट क्लास
मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है एंड दैट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैन इंजॉय द अपीलेट एंड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोथ इन द केसेस, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो दूसरा हो, वो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इसका ज्यूरिडिक्शन जो है ये इन दोनों की अपील्स को सुनता है, चाहे वो थर्ड क्लास का हो सेकंड क्लास की मजिस्ट्रेट का जो अपील की हो, या तो इसका अपना अपना और अपना अपना अलग से ज्यूरिडिक्शन है वो इनको सुनता है, और ये जो है ये सेंटेंस अप टू सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी किसी को जो है सजा, किसी को सजाए कैद 1 साल तक की दे सकता है और 2000 रुपये तक की वो जो है वो उस पर फाइन कर सकता है। तो ये सारा जो था ये सारा इसके रिलेटेड था हमारा कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है, कहाँ पे होता है, इनका क्या काम होता है, ये क्या क्या सुनते हैं। एंड लास्ट पे जो है द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन अपील कैन बी फाइल्ड एट डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में उसकी अपील को सुना जाता है। ये लास्ट पॉइंट था कि सेकंड क्लास की अपील जो है थर्ड क्लास की सेकंड में जाएगी, सेकंड क्लास की अपील था फर्स्ट वाला सुनेगा, और फर्स्ट क्लास का जो है अगर उसकी अपील करनी हो किसी ने तो दैट कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो था सारा इसके रिलेटेड था, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।